कैन वी बिल्ड अ प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग स्टोर विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट? चलो पता करते हैं. सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे. सो सीरीज शुरू करने से पहले आई वॉज वेरी मूव्ड टू आर 24-hour चैलेंज टाइप ऑफ कॉन्टेंट, बिकॉज मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं, दो घंटे में वेबसाइट बनाएंगे, फिर उसके एड क्रिएटिव जमा करेंगे, देन उसके ऊपर एड रन करेंगे, एंड विद इन कंपल ऑफ आवर्स हमारे पास डिसेंट सेल आ जाएगी एंड हम ऑडियंस को दिखा देंगे. दैट्स इट, कर सकता था मैं. लेकिन देन आई थॉट कि अगर हमें एक डिसेंट सा ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल स्टोर बनाना, देन वी नीड टू हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड इनफ अमाउंट ऑफ मनी टू गेट इनफ अमाउंट ऑफ डेटा, देन वी कैन टेक इनफ अमाउंट ऑफ डिसीजन सो दैट वी नो दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दिस पर्टिकुलर स्टोर, दिस पर्टिकुलर एड क्रिएटिव इज गोना वर्क फॉर अस और नॉट. और इवेंचुअली मैं बहुत सारे पैसे भी बचा लेता अगर मैं 24-hour चैलेंज किया होता तो. बट This is not going to be a 24-hour challenge because आपने वीडियो टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा. It is going to be a 72-hour challenge. Basically, तीन दिन हम तीन दिन बैठ के देखेंगे कि एड कैसे स्पेंड हो रहा है, एड में क्या क्या करना है, एड में मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, एंड इवेंचुअली वी विल ट्राई नॉट टू हिट आवर लॉसेज. तो चैलेंज का पहला टास्क सबसे सिरदर्द वाला टास्क है जहाँ पे हमें प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है. अब देखो, प्रोडक्ट ढूंढना ईजी काम हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टफ भी हो सकता है. बट आई पर्सनली बिलीव कि प्रोडक्ट ढूंढने में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट फाइंड द परफेक्ट प्रोडक्ट एंड इफ यू डोंट फाइंड द perfect targeted audience for that product, you will end up losing a lot of money. And I know you don't like losing money, right? ठीक है, तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ढूंढता हूँ तो मैं यूजुअली क्राइटेरिया सेट करता हूँ. अगर ये तीन चेकबॉक्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेक करता है, देन एंड ओनली आई विल थिंक टू मार्केट दैट प्रोडक्ट. पहला ये आता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी की हेल्प करना चाहिए, ठीक है. दूसरा ये आता है वट एवर डेमोग्राफिक और द एज ग्रुप आई एम टारगेटिंग फॉर दैट प्रोडक्ट, उन पर्टिकुलर लोगों के पास या उन पर्टिकुलर ऑडियंस के पास परचेजिंग पावर हो. मतलब मान लेते हैं मुझे ये ईयरफोन सेल करना है, दिस इज 25,000 और वट एवर द कॉस्ट इज, लेकिन दिस इज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग उस एज ग्रुप के पास नहीं कर सकता, 18 से 20 या 24 वाले एज ग्रुप के पास, जिनके पास पैसे नहीं है इंस्टेंट इंपल्स करने के लिए, ठीक है. तो मुझे उस एज ग्रुप को टारगेट करना जिनके पास परचेजिंग पावर हो, जो फ्रीक्वेंटली खरीद ले अगर वो प्रोडक्ट उनके लिए हेल्पफुल है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उनके लिए, ठीक है. मेक सेंस, ठीक है. तीसरा जो मेरा मेजर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, मैं वैसे प्रोडक्ट से दूर रहने की कोशिश करता हूँ जिनमें रिफंड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. मतलब अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जैसे सेम ये ईयरफोन बेच रहा हूँ, देन चांसेस है कि इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, हम इसकी वारंटी क्लेम नहीं करवा सकते क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, देन इसके रिटर्न या आरटीओ होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो मैं ऐसी चीज़ों से दूर रहता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, लाइक ट्रिमर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, हेयर स्ट्रेटनर हो गया, वट एवर दोज थिंग्स आर. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसी चीज़ों से भी दूर रहना, ऐसे प्रोडक्ट से भी दूर रहना जिनमें वेरिएशन हो. जैसे टी शर्ट में एल आता है, एस आता है, एम आता है, और कभी कभी जो साइज़ वो लोग ऑर्डर करते हैं उनको फिट नहीं होता, एंड इवेंचुअली दे विल एंड अप रिटर्निंग और रेजिंग कंप्लेंट्स अबाउट इट, एंड दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. तो ऐसे तीन क्राइटेरियाज मैंने सेट कर रखे हैं, एंड ये तीनों क्राइटेरिया जब भी फुलफिल होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, देन एंड ओनली आई स्टार्ट थिंकिंग कि चलो इसको मार्केट कर सकते हैं. तो पहला काम है हमें अपना प्रोडक्ट ढूंढना है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट प्रोसेस, ठीक है. तो मैं प्रोडक्ट रिसर्च में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, मैं आराम से पूरा टाइम ले रहा था प्रोडक्ट रिसर्च करने में, एंड मेरा प्लान ये था कि जो भी मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी नीश से रिलेटेड मिलेगा, आई विल क्रिएट ए नीश स्टोर अराउंड दैट प्रोडक्ट, ताकि लोगों को लगे कि ये ब्रांडेड स्टोर है एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड हर एक आइटम मिल सकते हैं, ठीक है. तो मैं उस टाइप के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा था. अब ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, फ्री मेथड्स हो सकते हैं, पेड मेथड्स हो सकते हैं, फेसबुक पे जाके हम हंटिंग कर सकते हैं एड्स पे क्लिक कर करके और उससे रिलेटेड एड्स हमें दिखने लग जाते हैं, या तो एड्स लाइब्रेरी पे स्पाई कर सकते हैं कि कौन से मार्केट में चल रहे हैं एड्स, दैट्स डिफरेंट थिंग. पेड की बात आती है तो आप मीना जैसा टूल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन से अच्छे खासे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, और जो हमारे पास इंडिया में ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स हैं क्या उनके प्लेटफॉर्म पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिस्टेड है, अगर लिस्टेड है तो क्या वो अच्छे दाम पे लिस्टेड है, अगर अच्छे दाम पे लिस्टेड है तो क्या हम उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको मार्केटिंग करके सेल कर सकते हैं, ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस होता है. मैंने इस प्रोसेस में भी मीनिया की हेल्प ली थी. मैं मीनिया पे जाके टिकटॉक एड्स देखता हूँ. बेसिकली टिकटॉक एड्स देखने से मुझे ये आइडिया मिल जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में बेसिकली यूएई या यूके में, मैं यूएसए इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि दैट्स वे टू मच सैचुरेटेड, यूएई या यूके में कौन कौन से टाइप के एड्स चल रहे हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट, लाइक या वो सब है. मैंने पहले भी आपको मीनिया का इंटरफेस दिखाया, मैं थोड़ा सा क्विक अभी बता देता हूँ. आपको बस मीनिया खोलना होता है, लेफ्ट साइड में आपको टिकटॉक एड्स दिखेगा, आप लेफ्ट साइड में टिकटॉक एड्स पर क्लिक करके आपके पास सर्च बार आएगा, आप सर्च बार पे जाके सर्टेन कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, जैसे यूजुअली 50% ऑफ और 70% ऑफ और
प्रीपेड ऑर्डर, फ्री शिपिंग, फ्री COD, वट एवर द कीवर्ड्स जो हम यूजुअली ड्रॉप शिपिंग में सर्च करते हैं। देन उसके बाद आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिस्ट मिल जाती है। प्रोडक्ट के लिस्ट मिलने के बाद आप देख सकते हैं किसके ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट है और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप वीकली सेलर्स भी देख सकते हैं कि वीकली कौन सा प्रोडक्ट सही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसके ऊपर जाके देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं देन आपको अंदर जाके उसका डेमोग्राफिक, टारगेट ऑडियंस सब कुछ दिख जाता है। इवन ऐड क्रिएटिव ऑन टॉप ऑफ दैट उनका स्टोर भी दिख जाता है कि कौन से स्टोर पे वो लोग ऐड चला रहे हैं, विच इज़ रियली ग्रेट। इतना कुछ सेग्रीगेटेड फॉर्म में कोई फ्री मेथड से नहीं मिल सकता, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे रहता है। सो इफ यू गाइस आर रियली इंटरेस्टेड इन परचेजिंग मीनिया, मीनिया का एक स्पेशल कोड है मेरे पास जिससे आपको मीनिया के कोई भी प्रीमियम प्लान पे 50% ऑफ मिल जाएगा, विच इज आशू 50। सो व्हाई डोंट यू जस्ट गिव इट अ ट्राई, देखने में क्या है, बिकॉज इट्स द रिसर्च विच इज गोइंग टू बी वर्थ इट। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा इवेंचुअली यू विल हैव द सैडेस्ट फेस ऑफ योर लाइफ। दुखी चेहरा बनाने का कोई फायदा नहीं है दोस्त। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद मुझे अपना नीश मिल गया था एंड दैट वाज द गोल्डन बेबी नीश। बच्चों से किसको प्यार नहीं होता, कम ऑन प्लीज, ठीक है। तो बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करना इज एक्चुअली मेरे नज़रिए में तो अच्छा डिसीजन है, क्योंकि वो हमारे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अगर बच्चों से रिलेटेड या जो भी न्यू इन्फेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं जो उनकी सेफ्टी के लिए रहता है, देन इवेंचुअली द न्यू पेरेंट्स आर रियली सुपर इंटरेस्टेड टू परचेज दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एंड वो हमारे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तीसरा वाला जिसमें वेरिएशन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ही नहीं। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास अगला टास्क ये है कि हमें पहले तो ब्रांड का नाम सोचना है, ठीक है। मैं इसको मल्टी प्रोडक्ट स्टोर नहीं बनाऊंगा, नीश स्टोर ही बनाऊंगा, बिल्कुल ब्रांडेड स्टोर बनाऊंगा, ठीक है। ब्रांड का नाम सोचना है, ब्रांड का लोगो सोचना है, फिर उसके बाद ब्रांड की पूरी वेबसाइट तैयार करनी है। ये तीन टास्क है अभी हमारे प्लेट में, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। आई गेस दिस इज गोइंग टू टेक माई हाफ ऑफ द डे, लेट्स सी हाउ सून आई कैन फिनिश दैट। ठीक है, तो जैसा कि आप सबने स्टोर देख लिया, स्टोर बनाना मेरा लाइक आधा दिन ले चुका था, ठीक है। तो स्टोर बनाना एक काम था, स्टोर हो गया, बट अभी तक हमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं इस चैलेंज में। अब मैंने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट ही लिया था जो आपने टाइटल में देख लिया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा पैसा सिर्फ 1,000 और 1,100 rupees हैज़ बीन ओनली स्पेंड जस्ट टू बॉट द डोमेन। .com डोमेन उतने का ही आता है, अगर आपको उससे सस्ता मिल जाता है दैट्स फाइन, लेकिन वो डोमेन परचेज करना इंपॉर्टेंट था। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप एक ब्रांडेड स्टोर बना रहे हो तो स्टोर के लिए एक .com या .in डोमेन लेना ज़रूरी है। लोग मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि इज इट रियली नेसेसरी टू बाई ए डोमेन। हाँ, ज़रूरी है। आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस को अपना एक नाम चाहिए होता है एंड डोमेन इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, डोमेन ज़रूरी है। तो हमने डोमेन ले लिया, तो स्टोर तो बना लिया, अब बारी आती है एड चलाने की। मैंने पिक्सल कनेक्ट कर दिया, वो ज़्यादा लोड नहीं होता है, ऑटोमेटिकली शॉपिफाई कनेक्ट कर लेता है। बट नाउ इट्स टाइम टू रन दी एड्स। बिफोर वी रन दी एड्स मैं आपको एक अंदर का सीक्रेट सॉस बताता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर ये कोई नहीं बताता होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत सारे लोगों को हाइड करने की कोशिश करते होंगे एंड ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि आपका फेसबुक प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आपका एड्स मैनेजर बैन हो जाता है या वट एवर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। देखो, भले ये 3 दिन का 72 आवर्स का ड्रॉप शिपिंग चैलेंज है, बट इट इज़ गोइंग टू टेक मी 10 डेज। ये पूरा 10 दिन का चैलेंज हो जाता है मेरे लिए जस्ट ये 3 दिन रिकॉर्ड करने के लिए। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट। मैं भले ही 3 दिन के अंदर स्टोर बना के, ऐड बना के आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, बट उसके पहले के 7 दिन मैंने क्या किया वो भी शेयर करना ज़रूरी है। सो बेसिकली बिफोर रनिंग दी एड्स आपको कभी भी एक नए पेज पर ऐड रन नहीं करना है। फेसबुक आपको इंस्टेंटली ब्लॉक कर देगा। नए फेसबुक प्रोफाइल से, नए फेसबुक पेज से, नए एड्स मैनेजर से कभी ऐड रन नहीं करना। दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग यू कैन गिव टू द फेसबुक, बिकॉज फेसबुक को लगता है कि आप स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नए आए हैं, आपको कोई एक स्पैमी प्रोडक्ट सेल करना। सो व्हाट आई हैव डन इज मुझे इस प्रोडक्ट का एक ब्रांडेड पेज भी बनाना था, तो पेज बनाते ही मैं ऐड रन नहीं कर सकता, तो मैंने पेज बनाया। मैंने पेज चैलेंज के 7 दिन पहले ही बनाया था बिकॉज आई न्यू आई एम गोइंग टू डू दिस चैलेंज। तो मैंने पेज बनाया, पेज पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहा था, भले ही कुछ कार्टूनिश फिगर्स या बेबी से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था रोज़ उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डालूं, ठीक है। सो आई वाज एक्टिव ऑन दैट पेज फॉर नेक्स्ट 7 डेज। तो मैं 7 दिन तक उसके ऊपर पोस्टिंग कर रहा था, एंगेजमेंट बन रही थी उसके ऊपर, ठीक है। सो बिफोर रनिंग दी एड्स ऑन माई पेज कि मैं डायरेक्ट कन्वर्जन ऐड रन करूँ,
मैंने पांचवे दिन पे एक एंगेजमेंट एड्स ऑन कर दिया था ताकि हमारे पेज के ऊपर डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइक्स भी आना शुरू हो जाए, लाइक हमें एंगेजमेंट एड्स से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका फेसबुक एड्स मैनेजर या पेज दोनों रिस्ट्रिक्ट ना हो। एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लोग छुपा के रखते हैं। एंड 24 आवर या 72 आवर या इवन 7 दिन के चैलेंज में भी ना ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, और आई गेस छुपाना तो अलग चीज़ है, बहुत सारे लोग बताना भूल जाते हैं, क्योंकि दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड मैन। ठीक है, तो अब हमारी वेबसाइट रेडी है, हमारा फेसबुक बिजनेस पेज रेडी है, बिजनेस मैनेजर रेडी है, हमारा प्रोडक्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है, बट हमारे पास स्टिल एक स्ट्रगल है। अब हमारे पास सबसे बड़ी मेजर दिक्कत ये आती है ऐड क्रिएटिव की। हम किसी भी चीज़ के ऊपर ऐड रन नहीं कर सकते हैं, खासकर वो चीज़ें जो ऑलरेडी चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज व्हेनेवर वी फाइंड अ प्रोडक्ट, हम मार्केट में जाके देखते हैं कि लोग कौन सा ऐड रन कर रहे हैं, हम उन्हीं की वीडियोस या क्रिएटिव्स कॉपी करके अपने लिए ऐड चलाते हैं, विच इज़ नेवर द बेस्ट प्रोफेशनल अप्रोच टू डू दिस थिंग। बिकॉज अगर आप एक यूनिक स्टोर बना रहे हैं तो आपका ऐड क्रिएटिव भी यूनिक होना चाहिए, सो दैट यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप वो प्रोडक्ट को घर पे मंगाएं, खुद की पर्सनल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करें एंड उसको कैनवा पे इजीली एडिट करके आराम से वीडियो एड रन कर सकते हैं। दैट्स द प्रोफेशनल बेस्ट वे एंड बेस्ट अप्रोच टू डू द थिंग फॉर एड्स क्रिएटिव। बट इस सिनेरियो में अगर मैं प्रोडक्ट मंगा लेता तो बच्चा कहाँ से लाता? ये बढ़िया था गुरु। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ी स्कैरसिटी थी। एंड इवन नॉट अबाउट द बेबी नीश, देर आर ए लॉट ऑफ नीश जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट मंगा भी लोगे बट स्टिल यू कांट डू द प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, सो लेट द प्रो हैंडल दिस शिट। ओके, सो बेसिकली आई डिड ए लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट एड एजेंसी जो हमारा काम अच्छे से कर सके, प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सके एंड अच्छे टाइम पे हमें डिलीवर कर सके। सो आई केम अक्रॉस दिस एड एजेंसी HCA हाई कन्वर्ट एजेंसी। सो बेसिकली व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस एजेंसी इज दैट जो इनकी टीम है ना, वो टीम फुल ऑफ ड्रॉप शिपर्स है, तो उनको एक्चुअली में मालूम है कि किस टाइप का क्रिएटिव काम करता है मार्केट में एंड किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो जेनरिक ना हो और थोड़ा यूनिक हो, जिससे हमारा एड परफॉर्मेंस अच्छा रहे और कन्वर्जन में हेल्प मिले, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जाके मैंने ये वाला ऑर्डर प्लेस कर दिया था $45 का। सो दे विल गिव यू 3 packages विच इज़ ग्रेट, राइट। आप ये वाला भी ले सकते हैं टिकटॉक वाला, सो यू कैन गेट ए वर्टिकल ऐड जो हम बेसिकली इंस्टाग्राम रील फॉर्मेट्स एंड स्टोरी फॉर्मेट्स में भी रन कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। इट कॉस्ट अराउंड $45। सो एंड द ग्रेट थिंग व्हाट आई फाउंड अबाउट दिस एजेंसी वॉज दैट दे विल डिलीवर द एड क्रिएटिव्स विद इन 24 to 48 hours। बहुत सही है, उतना टाइम हमें चाहिए वैसे भी स्टोर और वो सब डिलीवर डिज़ाइन करने के लिए। ओके, एंड दी अदर थिंग वॉज दे विल प्रोवाइड यू अनलिमिटेड रिविजन अप टू 7 days, जो अच्छी बात है। अगर आपको पर्टिकुलर एड में कुछ अच्छा नहीं लगता है देन यू कैन टेक अप टू 7 days। आप उनको बता सकते हैं कि ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, या उसको और अच्छे से क्रिएटिव डिज़ाइन करके देना है। दैट्स रियली ग्रेट। एंड एट दी एंड यू विल गेट हाई क्वालिटी क्रिएटिव जो ऑलरेडी यूनिक होगा, वो नहीं जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, राइट। And it will be definitely high converting as well. So I must say, rather than you go and download somebody else's ad, you should definitely invest some money to create your own ad creative for your own branded store. ठीक है, एंड $45 इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट। आई पर्सनली फील 3 ad creative इफ यू डिवाइड बाई 345, यू गेट द पॉइंट, राइट। $10-15 का एक ad creative मिल रहा है जो हाईली प्रोफेशनल है, विच इज टोटली वर्थ इट। आप उसको थ्रू आउट द कैंपेन मल्टीपल वेरियंट्स में चला सकते हैं वॉइस ओवर करके, राइट। दैट्स रियली ग्रेट। सो बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई रीच आउट टू द टीम सो दैट दे कैन प्रोवाइड सम स्पेशल कोड टू आवर लाइक कम्युनिटी, राइट। सो बेसिकली दे हैव गिवन अप 20% डिस्काउंट कूपन कोड। अगर आप ASHU20 यूज करते देन यू विल गेट 20% डायरेक्टली ऑफ ऑन एनी प्लान। देर इज नो लाइक मिनिमम ऑर्डर लिमिट कि आपको सर्टन मिनिमम ऑर्डर चाहिए। आप कोई भी प्लान यूज कीजिए और वहाँ पे ASHU20 यूज कीजिए, यू विल गेट 20% स्लैश ऑफ। इजन दैट ग्रेट। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये एड क्रिएटिव 24 hours के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 24 hours और 48 hours के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारा अगला पार्ट होगा एड्स रन करना। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। ओके, सो बेसिकली हमारे पास हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं जिनकी हेल्प से अब हमें फाइनली हमारे स्टोर के लिए एड रन करना है। मैं फिर से दिखा देता हूँ कि हमने अभी तक कितना स्पेंड किया है। डोमेन पे स्पेंड किया है, ठीक है, दैट्स फाइन। हमने एड क्रिएटिव पे स्पेंड किया है, सो राउंड अबाउट मेरे हिसाब से अभी तक कुछ 5000 या 4000 खर्च हो गए हैं। प्लीज़ एडिटर डू दी मैथ्स। ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, तो अब ऐड रन करने की बारी आती है। सो मेरे दिमाग में प्लान क्या है, अभी रात हो रही है, सो आई विल जस्ट स्केड्यूल दी ऐड फॉर अर्ली मॉर्निंग बेसिकली सुबह 6 बजे के लिए मैं ऐड स्केड्यूल कर दूंगा। 2nd of August, ओके, 2nd of August सुबह 6 बजे से मेरे एड्स रन होना शुरू होंगे, सो दैट वी हैव इनफ टाइम स्पेंड कि वो एड का जो भी अमाउंट है स्पेंड हो जाए, ठीक है।
अब ऐड का अमाउंट स्पेंड करने से पहले मैंने ये सोच रखा है कैंपेन एक होगा, कैंपेन सेल्स कैंपेन चलाएंगे। इससे पहले हमने एंगेजमेंट कैंपेन ऑन रखा था सो दैट हमारे पेज पे लाइक्स आते रहे, ठीक है। वो एंगेजमेंट कैंपेन मैंने अभी तक नहीं रोका है, ना मैं रोकने के मूड में हूँ। 100 रुपये चल रहे हैं, दिन के 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, होने देते हैं। उससे अगर हमारी पेज की अथॉरिटी बढ़ रही है, बढ़ने देते हैं, हम उसको हैम्पर नहीं होने देंगे, ठीक है। दैट्स वन प्लान वी हैव, ओके। सो अनदर थिंग, हम सेल्स कैंपेन चलाएंगे। सेल्स कैंपेन के अंदर 5 ऐड सेट्स बनेंगे, हर ऐड सेट में 1 इंटरेस्ट होगा, ठीक है। एंड ईच ऐड सेट्स को मैं 300 to 500 rupees के बीच में बजट दूंगा। सो राउंड अबाउट, अब अगर हम 5 ऐड सेट्स बना रहे हैं, 2500, 500 रुपये के हिसाब से 2500 अभी पर डे में स्पेंड होगा। अब देखते हैं उनमें से कौन से इंटरेस्ट काम करेंगे, कौन से इंटरेस्ट काम नहीं करेंगे। जो करेंगे उसको हम ऑन रखने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं करेंगे हम किल करेंगे। अभी के लिए सिंपल मैथ्स मेरे दिमाग में यही चल रही है कि हम यही लेके चलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अभी रात के कुछ 1 बज रहे हैं। आई विल जस्ट रोल ए क्लिप ऑफ माई पास्ट आशू कि वो कुछ चीज़ें आपको दिखा सके, ओके। कहानी की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, स्टार्टिंग ऑफ द डे से हमें 1 सेल आ गया था। एंड फिर थ्रू आउट द होल डे गेस व्हाट, हमें कितने सेल्स आए, ड्रम रोल्स प्लीज। सिर्फ दो डिसअपॉइंटमेंट टू द मैक्स। हमने बहुत पैसे खर्च किए एड्स पे और हमें सिर्फ 2 सेल आए। देर वॉज अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट बट देर वॉज वेरी फ्यू सेशंस ऑन एड टू कार्ट। तो अब बात ये आती है कि जिस इंटरेस्ट पे हमें सेल आई है हम उस इंटरेस्ट को चलने देते हैं, एंड जिस इंटरेस्ट पे सेल नहीं आई है हम उस इंटरेस्ट को बंद कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक कि इनफ स्पेंड हो चुका है उन इंटरेस्ट पे। अगर सेल नहीं आ रही है देन देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट, और आई नीड टू चेंज दी क्रिएटिव और समथिंग एल्स, समथिंग आई हैव टू डू, इट्स प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड। मैं यही समझ रहा हूँ क्योंकि पैसे तो स्पेंड हो रहे हैं। सो इट्स द नेक्स्ट डे। अब मेरे अगले डे की स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मैंने वो इंटरेस्ट तो बंद कर दिया, अब सिर्फ 2 इंटरेस्ट चल रहे हैं आउट ऑफ 5। सो अब थोड़ा क्रेजी करने का टाइम है, मेरे पास फालतू के पैसे पड़े हुए हैं। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, आई विल क्रिएट मोर 7 इंटरेस्ट, ओके, 7 इंटरेस्ट ऑफ द सेम नीश, और मैं उसको भी 300 rupees पर डे के बजट के हिसाब से लेके चलता हूँ। 7, 300, 2100 फिर से स्पेंड होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अब इनमें से कौन से इंटरेस्ट पे सेल आ सकती है। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको इसलिए बता रहा था, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट वी कैन हैव इनफ अमाउंट ऑफ टेस्टिंग कि कौन से पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे सेल आ रहा है। एंड अगर हमें अपना इंटरेस्ट मिल जाता है तो अच्छा है, अगर उस इंटरेस्ट में 100 rupees के अंदर इनफ सेल्स आ जाती है, 100 rupees के अंदर कॉस्ट पर परचेज आ रहा है, देन इट्स गुड। अगर 150-200 rupees पे जा रहा है देन इट्स टोटली नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो उतना एक्सपेंसिव हमें नहीं लेना है, एंड इवेंचुअली कुछ नहीं होता देन सोचेंगे, सोचना ही पड़ेगा। तो रात के बज रहे हैं 2 और आज है 2nd of August, बिल्कुल मिडनाइट चल रहा है। तो मैंने ऐड को शेड्यूल कर दिया सुबह 7 बजे के लिए। अब बेसिकली शेड्यूल करने का यही रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि जितना भी मैंने बजट रखा है वो बजट पूरा डे में थ्रू आउट दैट बजट विल बी स्पेंड। तो हमारे पास इनफ डेटा होगा ताकि हम देख सकें कि अब हमें टेस्टिंग करनी कैसे है। तो मैंने 5 ऐड सेट बनाया मेरे सामने, 5 ऐड सेट है, 5वें ऐड सेट पे 300 rupees का बजट है। सो वी कैन सी कि किस ऐड सेट से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड उस बेसिस पे हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हैं, देखते हैं। होपफुली कुछ आना चाहिए बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ ये 2 दिन स्पेंड होगा। जो ऐड सेट्स अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे वी विल किल इट एंड वी विल क्रिएट न्यू ऐड सेट और उसके अंदर नए इंटरेस्ट डालेंगे, टेस्ट करेंगे। सो अगले 1-2 दिन सिर्फ टेस्टिंग में जाने वाला है, फालतू के पैसे फूकने वाले हैं। होपफुली अगर सेल आती है देखते हैं। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू द फाइनल डे। अब मैं एक ही करके सारे डे के रिजल्ट्स बता देता हूँ सो दैट यू गेट दी ओरिजिनल स्पाई, जिस चीज़ के लिए आप ये पूरी वीडियो देख रहे हो इतने एंड तक, ठीक है। सो बेसिकली हमने 3rd of August को बहुत सारे इंटरेस्ट रन किए थे, ठीक है, एंड उन इंटरेस्ट में से भी बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे ही सेल आई। वी एंड अप हैविंग ओनली 3 सेल्स एट दैट डे और एंड अप मेक लूजिंग ए लॉट ऑफ मनी जस्ट इन एड्स, ठीक है। सो मैंने फिर से वही सेम चीज़ की, जो एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे आई किल्ड देम, एंड अब जो ऐड परफॉर्म कर रहे थे जिनके ऊपर सेल आ रही थी मैंने उनका बजट बाय 20% बढ़ा दिया। अचानक से डबल नहीं करना है क्योंकि डबल करने पे फेसबुक सस्पेक्ट करता है एंड दैट इज़ इवेंचुअली नॉट गोना वर्क, ठीक है। तो मैंने बाय 20% बढ़ाया एंड देन आई टेस्टेड अगेन 1 डे टू सी समथिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, ठीक है। 4th of August पूरा दिन ऐसे ही चला गया, एक ही या 2 ही इंटरेस्ट चल रहे थे एंड स्टिल वी डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ सेल्स।
वन सेल्स एक ही दिन, एक ही सेल आया था उस दिन, मैं अभी दिखा ही रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, ठीक है, एक ही सेल आया था उस दिन एंड द फिफ्थ डे द फाइनल डे, ठीक है, कुछ तो क्रेजी होना चाहिए था। तो मैंने वो जो जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे हमें सेल आ रही थी, आई कॉपीड एंड डुप्लीकेटेड दैट इंटरेस्ट एंड क्रिएटेड ए न्यू कैंपेन जस्ट डुप्लीकेटिंग दैट इंटरेस्ट 4 times और मैंने ABO चला दिया था, ठीक है। नाउ वी हैव द फाइनल डे, हमने 2000 का बजट रखा, अब जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे अच्छे इंप्रेशन, क्लिक्स और सेल्स आएंगे उनके ऊपर ज़्यादा पैसा स्पेंड होगा। आई गेस किस्मत अच्छी नहीं थी, सो बेसिकली वी स्पेंड अराउंड द लास्ट डे 2000 rupees एज वेल एंड हमें सिर्फ 3 sales मिली, ठीक है। सो वट एवर द नंबर्स आर, मैं स्क्रीन पे रख देता हूँ अभी। तो अब नंबर्स की बात करते हैं, जिसके लिए आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी है। आई डोंट नो आपने एंड तक देखी है, स्किप करके एंड तक ले आई, यू क्लेवर, यू रियली आर क्लेवर अगर आपने स्किप करके एंड तक ले आया तो, ठीक है। सो नंबर्स की बात ऐसा आता है, तो टोटल जितने भी दिन हमने ऐड चलाया उतने में हमें 10 sales आई, 10 sales का रेवेन्यू इतना आता है 7155। ओके, अब हमने स्पेंड कितना किया इतने दिनों में, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे इंटरेस्ट रन कर रहे थे एंड टेस्ट करने में हमें कम से कम 8147 rupees लग गए, करीबन 8000 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था, प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना था, हम सेल कितने पे कर रहे थे, ठीक है। सो प्रोडक्ट का कॉस्ट था 311 एंड वी वर सेलिंग फॉर, हम 699 का सेल कर रहे थे प्रोडक्ट, तो हमें पर प्रोडक्ट कॉस्ट 388 का पड़ रहा था, विच इज़ फाइन, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा सा विनिंग इंटरेस्ट मिल जाता देन इसको हम अच्छे से प्रॉफिट कर सकते थे, बट किस्मत आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमने इन द बैग कितना प्रॉफिट जमा किया, काउंटेबल प्रॉफिट की बात करते हैं। तो ये वीडियो मैं कम से कम जानबूझ के 7-8 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी 11th और 12th of August, क्यों, बिकॉज मैं चाहता था वो ऑर्डर डिलीवर हो जाए सो दैट आई हैव ए कन्फर्मेशन कि कितने RTO गए, कितने फेल हुए, कितने रिटर्न गए। सो अभी तक 4 orders डिलीवर हो चुके हैं, जिसका मैं काउंटेबल प्रॉफिट गिन चुका हूँ, 388 x 4, मतलब 1500 rupees प्रॉफिटेबल है उतना हमारे पास अकाउंट में। एंड उसके अलावा एक फेल हो चुका है ऑर्डर, ठीक है, टोटल 5 orders हो गए और बाकी के जो 5 orders है वो इन ट्रांजिट है। अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि 5 में से 3 orders कन्फर्म हो जाएंगे, वो आराम से शिप हो जाएगा, 2 गलती से नहीं भी होते हैं। सो टोटल काउंटेबल प्रॉफिट वी हैव 2716 rupees, तो हमने जितना भी स्पेंड किया एड्स पे 8000 something, उसमें से हमारे पास एग्जैक्ट शॉर्ट प्रॉफिट इतना बचता है, ठीक है। सो नेट लॉस कितने का हुआ हमारा, सो ज़्यादा लॉस हुआ नहीं टेक्निकली, 5400 something, सो दिस इज़ फाइन, टाइम और पैसे लगते हैं, इट जस्ट नॉट कि आपका एक प्रोडक्ट एक दिन में चल जाएगा। लोग भले ही 24 आवर्स चैलेंज वीडियो बना रहे, लेकिन 24 आवर्स चैलेंज में जो सक्सेस दिखता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। मैं भी चाहे तो 24 आवर्स चैलेंज बना सकता था, मुझे 7 दिन का कोई भी रिजल्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पहले दिन में ही 2 sales आए थे, 2 sales में मेरे कुछ स्पेंड हुए थे 1000 rupees, प्रॉफिटेबल था, मैं वहीं पर चैलेंज रोक के एक अच्छा सा कूल एस थंबनेल बना के चुपचाप लोगों को बना सकता था, यू गेट द पॉइंट, बट नहीं, बट चीज़ों की रियलिटी सामने रखनी चाहिए, लोगों को अदर साइड ऑफ थिंग्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपके पास अगर बहुत मिनिमम बजट है, अगर आपको गलती से विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है दैट्स द गोल्ड थिंग, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में 90% सिनेरियो में आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको पैसे उड़ाने पड़ेंगे एड्स में टू गेट वन प्रोडक्ट, वन इंटरेस्ट विच कैन रियली मेक यू ए ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सो हमेशा अगर आपने नहीं देखा है कि बजट कितना लगता है, रियलिस्टिक बजट लेके चलिए 40-50 हज़ार जस्ट फॉर द टेस्टिंग, ताकि आपको मालूम चल जाए कि किस टाइप की वेबसाइट काम करती है, किस टाइप के इंटरेस्ट काम करते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स काम करते हैं, ए लॉट ऑफ टेस्टिंग नीड्स टू बी डन, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें थी एंड आई मस्ट से कि ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस है, तो इसको बिजनेस की तरह आप ट्रीट करना शुरू कीजिए, कोई भी बिजनेस मिनिमम या लो इन्वेस्टमेंट पे शुरू नहीं किया जा सकता। सो इफ़ यू हैव ए गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देन ट्राई टू थिंक अबाउट इट, इफ़ यू डोंट हैव गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देन ट्राई टू कलेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे पैसे जमा हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से फ्रीलांसिंग सबसे टॉप पे आता है, फ्रीलांसिंग भी नहीं हुआ देन स्टार्ट डूइंग समथिंग विच कैन जनरेट कैश फ्लो फॉर यू, लाइक यू कैन क्रिएट ब्लॉग्स, यू कैन एडिट वीडियोज, यू कैन जस्ट स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल, यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज, एनीथिंग, यू जस्ट नीड मनी देन ट्राई टू मल्टीप्लाई दैट मनी, कुछ भी हो सकता है, वो ड्रॉप शिपिंग हो सकता है। मैं हमेशा रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही ड्रॉप शिपिंग से शुरू करें, बिकॉज इफ़ यू आर एट जीरो
then you cannot multiply yourself, right? Okay, so at the end, what will be the takeaway from this video? आपने इस वीडियो से क्या सीखा? So, first thing, आप limited budget में dropshipping try मत कीजिए. Because मेरा ये मानना है कि अगर आप limited budget में try करेंगे, मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये save करके रखे, your hard earned money आपने बहुत महीनों से save कर रखे, खुदा ना खास्ता, अगर वो 10,000 रुपये चले गए, then what? Okay, मैं ये मानता हूँ कि मेरी sales नहीं है, आपकी आ सकती है, लेकिन मुझे उन पैसों का फ़र्क नहीं पड़ा, आपको पड़ेगा. ठीक है, आई टोटली रिस्पेक्ट योर मनी. ठीक है, आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए उन पैसों को. इट्स योर मनी, यू हैव द फुल राइट टू इन्वेस्ट अबाउट इट, बट ऑलवेज इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी इन टू बिल्डिंग ए बिजनेस, जितने में आपका नुकसान हो भी जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े. ठीक है, दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज लर्न एज मच एज स्किल्स एज यू कैन, बिकॉज अगर आप लिमिटेड अमाउंट में बजट ड्रॉप शिपिंग शुरू नहीं कर रहे हैं, देन आपका पहला काम होगा आपको बजट जमा करना है, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अदर बिजनेसेस लाइक ड्रॉप शिपिंग. ओके, सो बजट जमा करने के लिए आपको एज मच एज स्किल्स सीखने पड़ेंगे, एंड देन यू हैव टू सेल दो स्किल्स टू पीपल हु आर लुकिंग फॉर दैट स्किल, सो दैट दे कैन पे यू फॉर दैट स्किल. दीज आर द ओनली टू थिंग्स विच आई विल रिकमेंड यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल से कि ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो था वेयर आई एम ट्राइंग मल्टीपल चैलेंजेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ बजट. जैसे इस वीडियो में हमने 10,000 या 12,000 का बजट लिया था. Now I can try a budget of like 1500 or 5000 or even lower budget, and that will be the series 2 or the part 2 of this series where I am trying dropshipping challenge. Hope you try to understand the point. Okay, so that will be it for this video. Hope you really like this video. Agar aapne itna end tak dekh liya hai and somehow you found it really valuable for you, then give it a big fat thumbs up and I will catch you in the next one. Cheers.